फिटिला शांतिर बाट भारत चीन सीमा एलएसी रे थमिबो उत्तेजना। गलवान रु 1.5 किलोमीटर लेखाए पछक को हटिले भारत एवं चीन रो सेना। केवल गलवान नुहे एलएसी रे थिबा हॉटस्प्रिंग एवं गोग्रा रो विवादीय अंचल रु भी पछक को हटिछंती उभय देशर सेना। गलवान घाटी रो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 रु चीन सेना हटिबा लक्ष्य करा जाइछि। चीन सेनार गाड़ी गुड़िक मध्य एलएसी रु पछक हटुछि। सेना हटिबा नै गत जून 30 तारीख रे कोर कमांडर स्तरीय बैठक में सहमति होइथिला एवं उभय देशर सेना निया जाइथिबा निष्पत्ति को पालन करिछंती। तेबे संपर्क में आनुष्ठानिक घोषणा होइनाही। गत दुई मास हेबो भारत सीमा रे एलएसी रो अनेक स्थान रे उभय देशर सेना ठुलो होइथिले। मुहांमुही स्थिति को आसीथिले दुई परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी। तेबे जून 6 रे उभय पक्ष मध्यरे पछक हटिबा नै सहमति होइथिले भी एहाकु पालन करिनथिला चीन सेना पीएलए। तेणु यार प्रतिवाद करिथिला भारतीय सेना। एहाकु नै जून 15 रे गलवान रे उभय देशर सेना मुहांमुही होइथिले। एथिरे शहीद होइथिले भारतर 20 जन जवान। चीन रो भी 40 रु अधिक जवान कर मृताहत होइथिबा जणा पडिथिला। यापर उभय देश मध्यरे वृद्धि पाइथिला उत्तेजना। एलएसी रे सेना एवं अस्त्रशस्त्र ठूल करिथिले उभय देश। एपरिकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख गस्त करी चीन को चेतावनी देथिले। सेपटे उत्तेजना प्रशमित करबा लागि सीमांत भावे समांतर भावे सेना मध्यरे चलथिला आलोचना एवं आ जून 30 तारीख रे कोर कमांडर स्तरीय बैठक रे निष्पत्ति होइथिला जे उभय पक्ष पछक हटिबे जहाँ उभय पक्ष एबे पालन करथिबा कहा जाउछि। एने अधिक सूचना देउछन्ति हम दिल्ली प्रतिनिधि संदीप बोल। सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें इस बात को तो तस्दीक की गई है कि सेना जो है चीन की वो पीछे हुई है। हालांकि अभी तक डिस्टेंस जो है नहीं बताया जा रहा है कि कितना किलोमीटर वो पीछे गए हैं। ज़मीन पे जाके वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही पता लगेगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि PP-14 जो है वहाँ पर जितना भी टेंट या स्ट्रक्चर था वो भी हटाया गया है। और गलवान और हॉटस्प्रिंग एरिया और जो गोगरा का इलाका है उसका जो जनरल एरिया है जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा हैवी बिल्डअप किया हुआ था अपने आर्मर्ड का और बाकी व्हीकल जितने भी वहां खड़े थे पार्क थे वो भी जो है उस जगह से पीछे होते नजर आए हैं। और लेकिन अभी तक जो है ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कितना किलोमीटर पीछे गए हैं। लेकिन इतना तय है कि जो दोनों देशों के बीच में प्रोसेस शुरू हुआ था कि दोनों देश जो है अपनी अपनी सेना को डिसंगेज करेंगे या आमने सामने जो एक आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट में जो खड़े थे उससे जो है दूर होंगे, तो उसके मद्देनजर जो है इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। लेकिन अभी कितनी दूर तक है, क्योंकि 30 तारीख को जो बैठक हुई थी उस 30 तारीख की बैठक में ये तय किया गया था कि हम लोग जो है इसको मॉनिटर भी करेंगे कि वाकई ज़मीन पर ये बात सही हुई है या नहीं हुई है, चीन की सेना पीछे गई है या नहीं गई है। बाकायदा एक वॉच पीरियड रखा गया था 72 घंटे का, तो अभी तक सेना की तरफ से वो देखा नहीं गया है वो वॉच पीरियड, या वो जो कह सकते हैं कि वो उस जगह पर जाके नहीं उन्होंने अभी देखा है कि वाकई चीन जो है वो पीछे हटा है नहीं हटा है। लेकिन अलग अलग माध्यमों से ये ज़रूर साफ हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे टेंट थे जो कि PP-14 के पास थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे चाइना का वो हटाया गया है, व्हीकल मूवमेंट जो है वो हुआ है। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। आलोचना करबा पूर्वतन वायुसेना अधिकारी एयर कमोडर तुषारकांति रथ अछंत हम सतो फोन लाइन रे। कमोडर आपनको स्वागत करू छी न्यूज एट नोडिया को। ठीक है, आपनको मत जानिबा को चाहिबो वर्तमान ए जो घटनाक्रम चेताइबा परे चीन चेती छी एवं एई घटना दुई सेना पछकु हटिबा एई घटना लॉन्ग रन ने केते दूर सफल हेबो बोली आपन कहिबे? न जय हिंद, मोर एटा कन्विक्शन आमे जतबे धर्म युद्ध करूते आमे वी हैव बीन द रॉन्ग पार्टी से माने एग्रेसर एक्सपेंशन इज सो आमे निजर दृढ़ निष्ठ होकरी विचलित न होकरी जो सब पदक्षेप मोदी लिडरशिप नहींचु से करेक्ट पदक्षेप आर एफेक्ट धीरे धीरे देखा जाऊँगी। इन एडिशन टू जहां इंटरनेशनल प्रेशर अच्छी आमर आम डिटर्मिनेशन देखु जे आम जमी रु इंचे आम पछकु घुंचबुनि आर एथर भी आमर भगवान सपोर्ट करी एथर भगवान भी किसी हाथ अच्छी कारण जमी कहुई आम आम कर्तव्य कले आम जत ठीक धर्म चलू से भगवान भी आमको साय करे गोटे रिजन हो पारे जे गालवान घाटी रे इने फ्लडिंग आरंभ हो कारण जिते स्नो मेल्ट करते बर्षा हो सबुतक एरिया जोटा लो लाइंग एरिया रे से डिगिन करते एफेक्ट करू आपण माने जदि एटा को भाबिबे सद्बुद्धि हेकिरी बा डरिकिरी चाइना निजे निजे कर दउची सेटा मो मतरे गोटे भूल असेसमेंट हबो। आमर सब बेले मन रखिबा दरकार जे कुकुर लांगुडो केबे सीधा हबनी
सहमत कि वर्तमान जो निष्पत्ति किंबा पदक्षेप भारत तरफ रु निया चेताई दिया जाय छी जहाफल एक स्टेप चीन किंतु जो गुड़े पॉइंट रही एलएसी रो हॉट स्प्रिंग रही किंबा गोग्रा विवादीय अंचल रही गलवान को मिसाई ए सब जगार वर्तमान चीन सेना किछिटा पछकु घुंची देढ़ किलोमीटर बोली कहुची भारत और चीन सेना पछकु घुंची किंतु मोर प्रश्न रहुची लॉन्ग रन ने केते दूर काम देबो कहिना 3000 रु अधिक रहुची एलएसी आपणक क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन मो मतरे लॉन्ग टर्म तंकर प्लान्स किछि चेंज होबनी एटा गोटा टैक्टिकली तंकर सेटबैक हेची सो से माने प्रेजेंटली विथड्रॉ करचंती एग्जैक्ट केते करचंती ता टाइम गले जणा पडिवो किंतु हमर इने कोन करबा उचित से विषय रे मु किछि कहबाक चाहिबी आमर जमती दृढ़ निश्चय आम देखे मोदी को लीडरशिप रे से स्टैंड आमको नवाक पड़ इंडिया जल्दी रे रहिवार उड्र करिवार किछि जदि किछि भावु थाय सेटा गोटे भूल डिसीजन नब से माने जोठी पोजीशन डिगिन करी डिफेंसिव पोजीशन नै चंती सेठी रहिवा दरकार जते बेले जामे आमे फिजिकली वेरीफाई न करूछु जे चाइनीज आमर जोटा एलएससी आमे क्लेम करूछु तार बफर जोन देकिरी आउरी 2 किलोमीटर पछकु जाइती बोली करी सेकेंडली आमर पाकिस्तान रे सेकंड फ्रंट जो ओपन हबनी बोली सेथरे भी आमे पछकु किछि विश्वास करी बचिबा उचित नुह ए पॉसिबिलिटी टा एते बेले जाय आउरी रहिची कारण तांकर एयरक्राफ्ट हेरिका जतक स्काडू एयरबेस रे से माने बेस करचंती सेटा आमर गोटाय बड़ चिंतार विषय एंड तृतीय तांकर जो टेररिस्ट एक्टिविटी चलैचंती नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड एरिया रे हौ कि जे एंड के रे हौ सीए कमीबनी अच्छा कमोडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट लद्दाख को गस्त कले चीन को चेतावनी भी देले अच्छा कमोडर जानिबा को चाहिबो कि प्रधानमंत्री निकट लद्दाख गस्त कले चीन को चेतावनी देले चेतावनी काम कला कि आपणकर कोन मत रहुची निश्चय काम करिछि किछिटा काम करिछि कारण जेमिति मोदी कहिथिले पछरे डंडा नथिले खाली भद्रलोक को भई कथाबार्ता करले से सुनिबा लोक नुह एटा निश्चय किछि जोर काम करिछि हमर जो डिस्प्ले करचंती प्राइम मिनिस्टर जे रिजल्ट हमर एटा जे आमे पछकु घुंचिबार नाही इंटरनेशनल लेवल रे कॉम्प्रोमाइज करिवार नाही तमे जते जहा करूथा तथापि आमे डरिबुनी आमे आमर जहा दरकार प्रिपेयरनेस सेटा करिवु तीनटा एरिया जोटा आमर आगुरु ब्लंडर करथिले सेटा को आमर फास्ट ट्रैक करी कंटिन्यू करिवार अछि प्रथम हला बिल्डअप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड हला आपणकर जो आर्मामेंट वेरिका इंडिजिनाइजेशन आउ थर्ड हला जेते आमर पाइपलाइन रे ने अछि आमर आउरु आर्मी फौज को सुदृढ़ करिया को सेटा जेते आमर पाइपलाइन रे किणा होती बाहरु से आमर कंटिन्यू करिवा दरकार श्रीयुक्त रथा आउ गोटे शेष प्रश्न मोर आपन को रहिबो जे तीनटी वर्तमान विवादीय अंचल अछि जे स्थान रे चीन रो अधिक एक्टिविटीज देखिबा को मिलथिला एवं ताकु प्रतिहत करबा पई भारतीय सेना भी आगो को किछटा स्टेप नै थिला सेई तीन चारटी अंचल को छाडी देले बाकी जति कि एलएसी रहिला बाकी जति कि सब सीमा अंचल रहिला सीमावर्ती अंचल रहिला से सब अंचल रे भी स्टेप को सेई हिसाब रे निया जिबार आपन आवश्यकता को केमि देखुछंती मो हिसाब रे प्रथम आमे आगो निजर माइंड मेकअप करिवार अछि आमो हिसाब रे आमर बाउंड्री टा बा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टा कोठी सेइटा को आमे गोटे मैप रे ड्रॉ करी तांको दबार अछि से माने करंतु न करंतु आमर इंटरनेशनली एटा कहिवार अछि जे एटा आमो परसेप्शन रे एटा इंटरनेशनल बाउंड्री हबा दरकार इंटरनेशनली फ्लोट कला परे तापर तांको संगरे नेगोशिएट करिवे जे एटा आमर परसेप्शन आपनकर जदि मतभेद अछि कोंतु बिल्कुल नकला जाय एटा हमर को फ्लेक्सिबिलिटी तांको पक्षर रही जाउ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त अथ हम सहित आलोचना रे भाग नै थिबारु ए संपर्क रे आसत सुनिबा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्र को प्रतिक्रिया जे आमे सब चाइना इंडिया बायलेटरल छोट बॉर्डर स्कर्मिस एंड एयर को नहीं भावुचे जे एटा बदे चाइना इंडिया रिलेशनशिप डिफाइन करे ना सेटा नुह आहुरी बड़ बड़ स्ट्रेटेजिक इश्यू अच्छी जोटे चाइना इंडिया भिन्न भाव बिहेव करती देखो ब्रिक्स जो समिट हम
এটা ওটা ক্লিয়ার চ্যালেঞ্জ টু ইউএস হেজিমনি তো ওটা ওয়েস্টার্ন হেজিমনি কি চ্যালেঞ্জ করিয়া পে ওটা ইন্ডিয়া চায়না পার্টনারশিপ বি গোটে লেভেল লে আছি আমে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ রে কম্বাইন্ডলি ইন্ডিয়া এবং চায়না আহুরি বেশি ভোটিং শেয়ার চাহুতু সেটি আমে কম্বাইন্ডলি ফাইট করিবু যেহেতু ন মানিলে সেটা আমি ওটা অলগা ব্যাংক তৈরি করিছি এটা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কুহন্তি তেণু গ্লোবাল লেভেল রে ইন্ডিয়া চায়না ওটা পার্টনারশিপ বি আছি যেহেতু ইন্টারেস্ট কনভারজেন্স আছে তেণু খালি ইন্ডিয়া চায়না রিলেশনশিপ কি আপনার গোটে বর্ডর গোটে স্কর্মিস্ট কি নেই ইন্ডিয়া চায়না রিলেশনশিপ কি ডিফাইন করলে হব কিন্তু হ্যাঁ এই যে বর্ডর স্কর্মিস্ট যদি লাগি রুহে এবং বারম্বার যদি হুয়ে তাহলে এইটার ডেফিনেটলি কিছু না কিছু ইম্প্যাক্ট পড়ব ইন্ডিয়া চায়না রিলেশনশিপ উপরে যেটা কি সবুলে অনফর্চুনেট কিন্তু এই যে ইনসিডেন্টটা এইটা কিন্তু সেইভাবে গোটা ডিউটি স্টেপ পকাইছি ডিউটি স্টেপ নিয়া যাইছি কিন্তু খুশির খবর যে যে ডিউটি স্টেপ নিয়া যাইছি লাইক ব্যানিং দিস ইউ নো 59টা অ্যাপ কু ব্যান করিবা বা ইউ নো চাইনা বয়কট র গোটা ন্যারেটিভ তৈরি করিবা এগুড়া বেশি বড় ধক্কা নহ ইন্ডিয়া চাইনা বাইলেটারাল রিলেশন गलवान रु एबे 1.5 किलोमीटर लेखाएं पछक हटिछंती भारत एवं चीन रो सेना केवल गलवान नुहे एलएसी रे जो विवादीय अंचल रहिछि हॉटस्प्रिंग हेउ किबा गुगरा रो विवादीय अंचल रु पछक हटि जाइछंती उभय देश रो सेना एबे आशा करा जाउछि हुए तो भारत चीन सीमा एलएसी रे उत्तेजना थमिबो एवं शांति रो बाटो फिटिला पहली बात तो यह कि युद्ध करना आज के युग में इतना आसान नहीं है। परमाणु हथियार हमारे पास भी है और चीन के पास भी है। जब इस तरह की नौबत आती है तो पूरी दुनिया सक्रिय हो जाती है कि परमाणु हथियार का युद्ध न होने पाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब जब विवाद होता है या तनाव बढ़ता है तो आप देखिए किस तरह से अमेरिका से लेकर रूस तक, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हर कोई ये चाहता है कि दोनों देश के बीच जो है टेंशन कम हो ताकि इस तरह की नौबत ना आए। अगर परमाणु युद्ध होता है तो किसी एक छोटे से भूभाग के लिए मुश्किल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु युद्ध का जो है असर आज तक लोगों के जेहन में ताजा है। इसलिए चीन और भारत दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं। इन दोनों की सेनाएं दुनिया में सबसे बड़ी सेनाएं हैं, उनके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। तो एशिया की अगर हम बात करें, दोनों अगर लड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों के बीच नहीं रहेगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा। और इसीलिए आप देखिए कि दुनिया के तमाम मुल्क हैं सक्रिय हो जाते हैं जब भारत और चीन के बीच किसी तरह के तनाव को देखते हैं। इस बार की बात यह है कि देखिए चीन ने उल्लंघन किया है जो स्ट्रेटजी थी हमारे और उनके बीच में, एक आपसी समझ थी कि जहां पर हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियर है वहां पर तो ठीक है, लेकिन बहुत इलाके हैं विवादित है। आप कहते हैं कि यहां तक मेरा इलाका है, हम कहते हैं कि वहां तक है, उस पर बातचीत चल रही लगातार बाउंड्री को क्लियर करने के लिए या बाउंड्री को डिमार्क करने के लिए क्लियरली बातचीत चल रही है। उस बीच अगर आप उस नो मैंस लैंड में आते हैं तो गलती आपकी है, तो अगर गलती आपने की है तो पीछे भी आपको ही हटना होगा। ये बात क्लियर कर दी गई थी हिंदुस्तान की तरफ से और मैं कहूंगा कि चीन के सामने कोई विकल्प नहीं। तबे आसंतु वर्तमान सुनिबा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ दानवीर सिंह कौन एने प्रतिक्रिया रखछंती। बड़े एहतियात से इस चीज को समझना होगा। चाइनीज इतनी आसानी से पीछे चले जाएंगे ऐसा हमको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हमें 15 और 16 की रात का वाकया कभी नहीं भूलना चाहिए। वो भी इसी प्रकार की खबरों के बाद हुआ था जब ये खबरें आ रही थी कि चाइनीज जो हैं पीछे हटने को तैयार हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई। और साथ में अभी भी ये रिपोर्ट आ रही है कि चाइना के भारी भरकम हथियार, आर्मर टैंक्स और आर्टिलरी अभी भी डेप्थ एरिया में मौजूद हैं। तो क्या चाइनीज इसको डिसएंगेजमेंट के तौर पे ले रहे हैं या रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और खुद को टेक्टिकल पोजीशंस में स्थापित कर रहे हैं जिससे कि कोई हिंदुस्तान की तरफ से अगर इस मिलिट्री कार्रवाई होती है तो वो उसको मिलिट्री तरीके से उसको डील कर सके। एनेक अधिक आलोचना करिबा वर्तमान फोन लाइन रे अछंती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ श्रीयुक्त विश्वजीत नायक। श्रीयुक्त नायक आपनकु स्वागत करूछि न्यूज एट नोडिया को। वर्तमान जो दीर्घ दिन रो अचलावस्था परे समाधान रो बाटो फिटीछि एवं दुई सेना भारत एवं चीन सेना गलवान रो 1.5 किलोमीटर लेखाए पछक हटिले, केमिति कोनो घटना को आपन देखुछंती? प्रथमे आपनकर एनेक मत कोन रहूछि? देखंतु या उपरे गोटे बहुत क्लियर कट मैंडेट किछ दिन हबो इंडिया रो पॉलिटिशियंस, इंडिया रो गवर्नमेंट आउ आर्म फोर्सेस क्लियरली रखिले कि सिक्योरिटी इज पैरामाउंट आउ आमर नेशनल सिक्योरिटी सामने रे वेदर इट इज चाइना और वेदर इट इज पाकिस्तान, इट इज ऑल द सेम। एंड रीसेंट विजिट ऑफ द पीएम आल्सो हाई लेवल मीटिंग को आहुरी एक्सपेडाइट करेला।
आउ से एक्सपेडाइट हबा द्वारा डिसएंगेज रा प्रोसेस स्टार्ट हला तो जो प्रकार जिनस होउची आउ जहां चाइना 1.5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर गलवान वैली आउ पनांग टीएसओ रे जो बैक मूवमेंट चलची एटा गोटे पार्शियल डिसएंगेजमेंट रा प्रोसेस आउ फ्यूचर रा डीएस्केलेशन को न्यूट्रलाइज करिया को सेमानकर जो फोर्स कमांडर को बात भीतर कंटीन्यूअस डिस्कशन चलची इंडियन आर्मी आउ पीएलए रा आउ से प्रोसेस को नहीं कि सेमाने ए मूवमेंट स्टार्ट कर चुके और इंडिया को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर बहुत बहुत धन्यवाद सुक्त नायक आलोचना भाग नहीं।